हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि मेरी कार की फर्स्ट सर्विस ड्यू होने वाली है, तो मैं टाटा सर्विस सेंटर आ चुका हूं अपने कार की फर्स्ट सर्विस करवाने। और इससे पहले मुझ पे होंडा, मारुति और होंडा तीनों कार्स रह चुकी हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उनके कंपैरिजन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। और मेरी गाड़ी में दो माइनर इश्यूज आ रहे हैं, मैं वो भी देखूंगा वो इश्यू रिजॉल्व हो पाए या नहीं हो पाए, और मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए। सबसे पहले इन्होंने कार वैक्यूम करी, ये चीज़ मुझे टाटा की अच्छी लगी, बिकॉज मारुति में वो वैक्यूम नहीं करते हैं, वो जस्ट एयर प्रेशर मारते हैं मिट्टी हटाने के लिए। इन्होंने प्रॉपर वैक्यूम क्लीनिंग करी और मैट इससे अच्छे से साफ होते हैं, विच इज़ रियली गुड थिंग। और इसके बाद जब इन्होंने वैक्यूम अच्छे से कारपेट कर दिए, तो इन्होंने मैट साफ करके मैट पर पॉलिश करी। मैं ये पॉलिश आप लोगों को रिकमेंड करूँगा मत करवाना, बिकॉज बाद में बहुत मिट्टी चिपक जाती है मैट्स में, तो आप ये मत करवाना, जस्ट इस पर गीला कपड़ा लगवा देना, बट पॉलिश मत लगवाना मैट्स में। इसके बाद कार वॉशिंग के लिए गई। वॉशिंग मैंने पूछा आप डिटर्जेंट यूज़ करते हो या शैम्पू यूज़ करते हो, ये शैम्पू यूज़ करते हैं इसलिए मैंने वॉशिंग करवाई, वरना मैं नहीं करवाता। बिकॉज अगर आप सेरेमिक कोटिंग करवाओगे और उसके बाद अगर डिटर्जेंट से वो कार वॉश करेंगे तो कोटिंग ख़राब हो जाती है। वॉशिंग इन्होंने बहुत अच्छे से करी, प्रॉपरली अच्छे से शैम्पू लगा के अंदर से बाहर से ऊपर से सब कुछ, इंजन बोनट खोल के इंजन से अच्छे से वॉशिंग करी। ये भी जो इंजन में भी ये पॉलिश लगाते हैं, मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा, मेरे को आइडिया नहीं था इसलिए मैंने लगवा ली। इसको लगाने के हार्डली 2-3 घंटे बाद ही इंजन में मिट्टी चिपक जाती है, वो बहुत ऑकवर्ड लगती है, तो ये आप मत करवाना, जस्ट खाली कपड़ा लगवा देना। अंदर आप पॉलिश लगवा सकते हो, बिकॉज़ गाड़ी बंद लगती है और गाड़ी बंद रहती है तो अंदर कोई इशू नहीं होता मिट्टी वगैरह के जाने का, तो कोई इशू नहीं होता। बाकी जो भी वहाँ स्टाफ थे, जिन्होंने जो सफाई करने वाले, कपड़ा मारने वाले, वो बहुत हेल्पफुल थे, कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जैसा आप उनको बोलोगे इंस्ट्रक्शन दोगे वो वैसे कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने ऑयल चेक किया, फिल्टर साफ किया, सब कुछ चेक किया कि सब कुछ प्रॉपरली है या नहीं है। अब बात आई इशू की, तो इशू चेक करने के लिए इन्होंने अपना लैपटॉप कनेक्ट करके कोशिश करी कि इशू का पता लगा पाएँ, बट इनको इशू का पता नहीं लग पाया। इन्होंने बहुत कोशिश करी हर तरह से, और ये आप देख सकते हैं फ़िल्टर भी क्लीन होके इन्होंने वापस लगवाया। हार्डली गाड़ी 300 किलोमीटर चली थी, स्टिल मैंने फ़िल्टर साफ करवा दिया। ये इन्होंने चेक किया लैपटॉप पे कि कोई इशू है गाड़ी में या नहीं है, बट इनको कोई इशू का इसमें पता नहीं लगा, जो मेरे इशूज़ थे इससे रिजॉल्व नहीं हुए। ये कार वॉश करने के बाद कुछ ऐसी लुक दे रही थी, बट मैं 100% सेटिस्फाइड नहीं हूँ वॉशिंग और इन सब से। आप देख सकते हैं इतनी अच्छी वॉशिंग और क्लीनिंग नहीं हुई है, अंदर से भी कुछ खास नहीं हुआ। मेरी गाड़ी में पहले से ही सेरेमिक कोटिंग हुई है, तो मिट्टी के लगने की तो कोई गुंजाइश थी नहीं, और मैट भी इन्होंने अच्छे से नहीं लगवाए, ऐसे ही बस फेंक दिए। थैंक यू गाइस वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आया होगा कि फर्स्ट सर्विस में वो क्या क्या करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता फर्स्ट सर्विस में, वॉशिंग होती है, इंजन ऑयल चेक होता है, एयर फिल्टर साफ होता है, और अगर आपके कोई इश्यूज हों तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे को जो चीज़ें अच्छी लगी टाटा के बारे में वो थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो वैक्यूम करते हैं कार। मारुति में आप जाओगे तो वैक्यूम नहीं करते, जस्ट वो एयर प्रेशर मार के साफ करते हैं, ये टाटा की अच्छी चीज़ लगी। सेकंड, जो उनके कपड़ा मारने वाले या लो लेवल के वर्कर थे वो बहुत कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जैसा आप उनको इंस्ट्रक्ट करोगे वैसे काम कर रहे थे और अपना 100% दे रहे थे। थर्ड चीज़ जो मुझे टाटा की अच्छी लगी एज़ कम्पेयर टू मारुति, होंडा एंड अदर्स, टाटा में इफ विल गो फॉर सर्विस तो आपको कम टाइम लगता है। अगर आपके कोई इशूज़ नहीं है तो 1-1.5 घंटे में आपकी कार की फर्स्ट सर्विस हो जाती है, वेयर एज इन मारुति आपको अप्रॉक्स 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है। ये तीन चीज़ें मुझे टाटा की अच्छी लगी। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज़ों की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहूँगा कि मेरी गाड़ी में दो इश्यूज थे, जैसे मैंने पहले बताया। फर्स्ट इशू था कैबिन लाइट का। कैबिन लाइट का इशू उन्होंने क्या किया, वो कैबिन लाइट खोल के उसे रिपेयर किया। मैंने बोला ये रिपेयर करने की जगह आप न्यू इंस्टॉल कर दो, तो उन्होंने कहा ये रिपेयर ही होती है, नई नई डलती।
तो उन्होंने वो जुगाड़ से रिपेयर करके इंस्टॉल कर दी, बट इट्स वर्किंग फाइन, सो आई डोंट हैव एनी इशू विद इट। जो सेकंड मेरा इशू था रोटेट करने का एसी का वेंट, वो ठीक नहीं हुआ। पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। सर्विस करवाने के बाद भी गाइस ये इशू नहीं रिजॉल्व हुआ है, ये अभी भी वही प्रॉब्लम दे रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, उन्होंने अटेम्प्ट किया उसे ठीक करने की कोशिश, पर नहीं हुआ उसे ठीक। और एट लास्ट उन्होंने जो बोला वो बहुत शॉकिंग था। उन्होंने मुझे क्या बोला कि एल्ट्रॉज में जो भी मैनुअल एसी वाली कार्स आई हैं, चाहे वो एक्सी हो या इससे ऊपर वाले मॉडल जिनमें मैनुअल एसी आ रहा है, इन सब कार्स में 90% कार्स में ये इशू आ रहा है मैनुअल एसी। और मैंने बोला तो ये ठीक करके दो, आप रिप्लेस करके दो। उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया वो भी बहुत पैथेटिक था। उन्होंने बोला कि पीछे से ही जब न्यू कार मैन्युफैक्चर हो के आती है तो इस पार्ट में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मेरे ज़्यादा फोर्स करने पे, लड़ने पे उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी आगे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देते हैं, बट 6 महीने 1 साल 1.5 साल बाद जब भी ये पार्ट का रिप्लेसमेंट मार्केट में आ जाएगा तभी हम आपका रिप्लेस कर पाएंगे पार्ट, तब तक आपको ऐसे ही टैकल करना पड़ेगा। मैंने घर आके टाटा का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके कंप्लेंट करी, एंड विद इन 48 आवर्स मेरे पे एक कॉल आई। उन्होंने मेरा इशू पूछा, मैंने इशू बताया, उन्होंने कहा हम आपको कॉल बैक करेंगे विद अ रेजोल्यूशन। बट आज पूरा 1 वीक हो गया है, मेरे पे कोई कॉल नहीं आई है, कोई मैसेज नहीं आया। मैंने अप्रॉक्स 8 से 10 ईमेल कर दिए हैं बट मेरे पे उसका भी कोई रिवर्ट नहीं आया। और सर्विस में मेरे को जो और भी प्रॉब्लम्स आई वो ये थी कि जब उन्होंने वॉशिंग करी तो कार के कुछ पार्ट, माइनर पार्ट, जैसे कि वाइपर के जो ऊपर की कैप होती है वो पता नहीं कहाँ गई, और उनको उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। और उन्होंने बोला ये हमसे नहीं हुई है, अगर आपको लगाना है इट विल कॉस्ट यू 350। तो मेरे को 350 उसके भी देने पड़े चार्जेस। तीसरी चीज़ की जो बात करूँ मैं, वो मैट उन्होंने प्रॉपरली नहीं फिक्स किए, बस ऐसी कार के अंदर पैक दिए और प्रॉपरली जैसे लगनी चाहिए वैसे नहीं लगाए। टाटा सर्विस के मामले में बहुत लैग कर रहा है। मेरे को कार जब से मैंने ली है अभी तक कोई इशू नहीं आया, कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विस देन टाटा बहुत पीछे है कंपेयर टू इट्स राइवल्स मारुति होंडा या नो। और ओवरऑल मैं सेटिस्फाइड नहीं रहा। इफ़ यू टॉक अबाउट सर्विस एक्सपीरियंस आई विल गिव 2 out of 10, 10 में से 2 मार्क्स मिलेंगे टाटा को। और अगर दिल्ली जैसी स्टेट में ये इश्यूज आ रहा है तो आप कहीं छोटे टाउन में चले जाओगे तो वहाँ क्या इश्यूज आएंगे मेरे को पता नहीं। हो सकता है कि आप लोगों को टाटा से कोई इशू नहीं हुआ हो, बिकॉज दैट डिपेंड, क्या पता आपको कोई इशू नहीं आए हो या छोटे आए हों और उन्होंने रिजॉल्व कर दिए हों। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों पे भी एल्ट्रॉस के मैनुअल एसी हैं वो प्लीज़ चेक करें आपका इवेंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और प्लीज़ जाते ही सबसे पहले चेक करें कि आपका वेंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। आई होप मैं आप लोगों को बता पाया होऊंगा कि टाटा की सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरे साथ। और थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं अगली वीडियो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल और फॉग लैंप के लेके आ रहा हूं। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट वीडियो पूरी देखने के लिए।